गाइस आज टॉमी के साथ अपने साइकिल रेस है। ये काफी देर से मेरे आगे जा रहा है पर मैं इसको जितने नहीं दे सकता। कम ऑन टॉमी के बच्चे, हम लोगों को पहुंचना का पूरा एक पेड़ के जड़ के पास वो दिखाई दे रहा है। कम ऑन ऑल राइट, अपन इसको पीछे कर दिया है। देख रहे अपन आ चुके इधर और अपन इस वाली रेस को जीत लिया है। क्या हो गया टॉमी, हार गया ना तू? अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं हार गया। अभी ये ले तेरी इनाम, एक हाथ तू। और भाई साहब टॉमी ने मुझे क्या ही लात मारा है, इसने तो मुझे लात मार के फेंक दिया। क्या ही नीचे क्या अपन गिर गए? ये कौन सी जगह पर अपन आ चुके? अपन तो पहाड़ से नीचे गिरे थे, लेकिन पहाड़ से ऐसा लग रहा है अपन किसी केव के अंदर आ चुके। ये तो बैटमैन की कार है। ऑल राइट, अपन किसी तरह आ चुके बैट केव के अंदर। देख रहे हो, सच में इधर बैटमैन की जेट वगैरह सब कुछ खड़ा हुआ है। चलो देखते हैं उधर क्या है। ओके, इधर तो बैटमैन का कंप्यूटर है। ये तो अच्छा बैटमैन इधर नहीं है, ये रहा बैटमैन का सूट। क्या ही खतरनाक चीज हो गया, टॉमी की बार की वजह से अपन आ चुके बैट केव के अंदर। वैसे अपन बैटमैन का काफी बड़ा फैन है, इसलिए अपनी हुडी में बैटमैन का लोगो भी बना हुआ है। इधर क्या है देख लेते। और भाई कोई आ रहा है शायद बैटमैन लौट के आ रहा है। चलो अपन इधर कहीं पे छुप जाते हैं, ये वाला जगह सही है, अपन इधर ही छुप गए। अरे हाँ सच में बैटमैन उड़कर आ चुका है केव के अंदर, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि अपन अंदर है। अरे ये क्या, बैटमैन तो भाग के इसकी गाड़ी की तरफ जा रहा है। अरे भाई तो गाड़ी लेके निकल रहा है, क्या अपन इनके पीछा करें? नहीं, पहले अपन इनको जाने देते हैं, फिर अपन देखेंगे क्या कर सकते हैं। चलो बैटमैन तो चला गया है, अभी अपन भी चलते हैं बैटमैन के पीछे। अगर मैंने बैटमैन का हेल्प कर दिया तो शायद बैटमैन अपन को अपनी असिस्टेंट ले ले, पता नहीं। मेरे साइकिल साथ बाहर ही खड़ा है कहीं पर, तो चलो अपन फटाफट से चलते हैं। बैटमैन की पीछा करते हुए अपन आ चुके सिटी के अंदर। सामने मुझे बैटमैन का कार दिखाई दे रहा है, लेकिन बैटमैन है कहाँ पर? ओके, उधर कोई फाइट कर रहा है शायद। चलो अपन उधर ही चल के देखते हैं। ऑल राइट, बैटमैन तो किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। ये तो क्लेप है इसकी ऐसी की तैसी। ये क्या, इसने तो बैटमैन को पकड़ लिया है। और भाई बैटमैन को इसने क्या ही फेंक के मारा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अपन है बैटमैन की नंबर वन फैन और मेरे सामने बैटमैन को मारा है। कम ऑन, वह जाएगा काम से, लेकिन इसकी साइज मुझसे काफी ज्यादा बड़ा है। देखो तो सही, एक छोटा सा बच्चा आया है मुझे मारने के लिए। मेरा पैर के समान भी इसका हाइट नहीं है और ये मुझे मारेगा। आजा बच्चे, तुझे भी मरने का शौक चढ़ा है। अरे नहीं, इसने तो मुझे पकड़ लिया है। अरे इसकी पकड़ कितना मजबूत है, मैं खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा। ये क्या कर रहा है? अरे भाई इसने मुझे भी फेंक दिया है। सच में इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। क्लियर फेस इतना ज्यादा पावरफुल होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसने मुझे उठाकर इतना दूर फेंक दिया है। चलो देखते कर कर आए। अरे तो फिर से फाइट करने लग गया बैटमैन के साथ। देख रहे उनका फाइट चल रहा है, लेकिन ऐसे अपन इसको हरा नहीं सकते, मुझे कुछ और देखना होगा। चलो इधर पुलिस स्टेशन है, इधर ही कुछ ना कुछ अपन को मिल जाएगा शायद। ऑल राइट, अपन भाग कर आ चुके इधर। ओके, इधर एक फायर ट्रक है। अरे हाँ, क्लेबेस तो मिट्टी से बना हुआ है, तो फिर अपन उसको ऐसे ही पानी से उड़ा सकते हैं। लेट्स गो, अपन बैठ गए। अरे बच्चे ये तू क्या कर रहा है, पुलिस वालों के सामने से ट्रक चुरा के लेके जा रहा है। अरे पुलिस वालों को पता नहीं कि टाइम नहीं है, चलो अपन फटाफट निकलते हैं। इनको जो समझना है समझ लें, अपन को बस बैटमैन को बचाना होगा। लेट्स गो, अपन चलते हैं। पानी भी भरा हुआ है इसमें। ऑल राइट, अपन आ चुके इधर। कमान तेरी ऐसे की तैसे अपन आ गए, लेकिन बैटमैन तो बहुत ही ज्यादा पास है, अपन ऐसे मार नहीं सकते। और अब भाई इसने बैटमैन को मार के गिरा दिया है, अभी तेरी ऐसे की तैसे है लड्डू। ऑल राइट, इसको अपन उड़ा रहे हैं, यही पानी से उड़ा रहे हैं अपन इसको। चलो भाई बैटमैन इधर रह गया है। और ये तो शायद क्या काम से, पानी से इसकी हालत खराब हो चुका है। देख रहे हो, इसकी आधा बॉडी मिट्टी में मिल गया है। चलो अभी बैटमैन ठीक है कि नहीं देखते हैं। मिस्टर बैटमैन, क्या आप ठीक है? अरे हाँ बच्चे, मैं ठीक हूँ। लेकिन बच्चे तू कहाँ से आ गया? खैर जो भी हो, तूने पानी से क्लेफेस को हराया, अच्छा दिमाग लगाया तूने। ऑल राइट, अपने इजीली बैटमैन को इम्प्रेस कर दिया है। और वैसे भी अपनी साइड के ऊपर तो बैटमैन का लोगो बना ही हुआ है। बैटमैन, मैं आपकी काफी बड़ा फैन हूँ और मैं आपकी साइड किक बनना चाहता हूँ। अरे बच्चे तू क्या मजाक कर रहा है, तू मेरा साइड किक बनेगा? तुझे पता है मेरे लाइफ कितना ज्यादा डेंजरस है। खैर बच्चे चुपचाप घर चला जा, मुझे बहुत सारा काम है, मैं भी इधर से निकलता हूँ। अरे भाई ये क्या, बैटमैन तो मेरे बात पूरा सुने ही बिना चला के आए। अपन ने सोचा था अपन बैटमैन के साथ मिलकर गुंडों के साथ फाइट करेंगे, लेकिन बैटमैन अकेले चला गया है। हैंड्स अप बच्चे, हाथ ऊपर कर। और भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या, ये तो वही पुलिस वाला है, ये पुलिस वाला मेरे पीछे आ चुका है। चलो अपने हाथ ऊपर कर दिया है। ऑफिसर आपको गलतफहमी हो रहा है, मैंने इस ट्रक को चुरा था बैटमैन की मदद करने के लिए। अरे ये सब तू जेल में जाके समझाना बच्चे, ट्रक चुराने के टाइम पे तुझे याद रखना चाहिए था, अभी चुपचाप जेल चल। पुलिस वालों ने सच में अपन को जेल के अंदर डाल दिया है, और जेल के अंदर करने के लिए कुछ है तो नहीं, इसलिए अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं। काफी सारे प्रिजनर देख रहे हो ऐसे ही भाग रहा है, और कुछ तो इधर मेहनत कर रहे हैं अपनी तरह। चलो ठीक है, अपन ऐसे ही मेहनत करके एक दिन पावरफुल बनेंगे, फिर अपन बैटमैन का असिस्टेंट बन जाएंगे शायद। ऐसे मुझे बैटमैन की केव से एक सूट चुरा लेना चाहिए था, तो फिर शायद बैटमैन अपन को अपनी असिस्टेंट ले लेता। खैर जो भी हो, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई, अरे भाई ये क्या, कोई मुझे मारने के लिए आ गया है, तेरी ऐसी तैसी। अबे तू तो आज क्या, चलो एक सेकंड रुक जा, मुझे मार रहा है तू। अपन इस बार को इधर रखते हैं। कमाओ, देखते अपनी ताकत कितना बढ़ाए। आजा आजा आजा,
एले, अरे मैं इसको मार भी नहीं पा रहा। ऑल राइट, मैंने इसके खींच के एक लात मारा है। कम ऑन एले तू। ऑल राइट, सच में मेरी ताकत तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अपने मुक्के से अपने इसको इधर फेंक दिया है। कम ऑन, आजा आजा आजा। और एक हा, ऑल राइट, इसको तो मैंने एक झटके में उड़ा दिया है। अरे यार, गलती से मैंने इसको भी लात मार दिया। वैसे उसको मारने की जरूरत नहीं था, वो तो मुझे मार भी नहीं रहा था। चलो, डर के मेरे भाग रहा है और अपन भी इधर से निकलते हैं। फालतू में इनके साथ फाइट करके कोई फायदा नहीं। खैर, देखते हैं अपन और क्या कर सकते हैं। बच्चा, हाथ ऊपर कर। अरे भाई, तो प्रिजन की गार्ड है, अभी ये भी मुझे गन पॉइंट करके रखा है। तुम लोगों को चाहिए क्या? अरे चाहिए का मतलब क्या है? तुझे क्या प्रिजन के अंदर फाइट करने के लिए रखा गया? तूने दो बंदों को मार कर लेटा दिया है, इसलिए चुपचाप सेल के अंदर चल, तुझसे कोई मिलने आया है। ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गया। हर बार अपने पीछे पड़ जाता है, लेकिन मुझसे मिलने को ना आए। चलो देखते हैं अपन सेल के अंदर चल के रही। अपन को इन लोगों ने फिर से सेल के अंदर डाल दिया है, लेकिन अपन से मिलने को ना आए। अभी तक तो कोई आया नहीं। ओके, ये रहा, ये तो मिस्टर बैटमैन है। बैटमैन अपन से मिलने के लिए आए। बच्चे, तूने मेरा मदद किया था, इसलिए मैं भी तेरी मदद करूंगा प्रिजन से निकलने के लिए। लेकिन मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मैं तुझे एक बैग दे रहा हूँ, इस बैग के अंदर मेरे सारे गैजेट्स हैं। इन गैजेट्स को यूज करके तुम लोग बाहर निकलना, मैं तुम लोगों के लिए बाहर वेट करूंगा। ओके, सच में बैटमैन ने अपन को एक बैग दे दिया है, लेकिन तुम लोग मतलब मेरे साथ और भी कोई निकलेगा? तो फिर क्या बच्चे, मैं तुझे यही छुड़ाने के लिए आया हूँ। इन सारी गैजेट्स की मदद से तू डेडशॉट को ढूंढेगा और डेडशॉट को लेकर प्रिजन से निकलेगा, क्योंकि डेडशॉट के पास इन्फॉर्मेशन है रॉबिन है कहाँ पर। खैर बच्चे, मैं अभी जा रहा हूँ, अच्छे से निकलना, ठीक है? ऑल राइट, चलो। बैटमैन तो चला गया है, लेकिन ये बैग दे के गया। सो चलो अपन इस बैग को ले लेते हैं। ओके, अपन बैग को ले लिया है। अब पता नहीं इस बैग के अंदर से क्या क्या निकलेगा। प्रिजन की सेल को भी अपने खोल लिया है। ऑल राइट, अपन बाहर आ चुके हैं। इधर के चल रहा है, इधर पुलिस वाले घूम रहा है। अरे भाई, से मेरे को पता लग गया है, ये तो मुझे मार रहा है। तुम्हारी ऐसे की तैसी। चलो, इसको मैं एक घूसे में उड़ा दिया। सच में इस गैजेट की वजह से मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अभी मुझे जल्दी से जल्दी 150 को ढूंढना होगा। और गाइस, तब तक आप लोग लाइक कर दो। आजकल लाइक हम रखते हैं 1500 लाइक का, तो करवा देना। अभी देखते हैं 150 के बच्चे है कहाँ पर। चलो अपन चलते हैं वाटर टैंक के ऊपर, उधर से मैं देख सकता हूँ 150 है कहाँ पर। लेट्स गो, अपन आ चुके बिल्कुल टॉप पर। और ये लोग तो मुझे हर जगह पर गोली मार चाह रहा है। ओके, उस तरफ है शायद 150। तो चलो अपन उधर ही उड़ के चलते हैं फटाफट से। 150 के बच्चे है कहाँ पर? छत के ऊपर वगैरह सब कुछ मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये 150 मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके, ये रहा 150। इधर एक करके रहा है। ओए 150, तू क्या कर रहा है इधर? प्रिजन की इस वॉल को मैं बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन तुझे क्या चाहिए? अरे तुझे बॉम्ब लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो इस वॉल को उड़ाने वाला है। बैटमैन ने मुझे गैजेट वगैरह देकर गया है और तुझे इधर से छुड़ाने का ऑर्डर देकर गया है। अरे क्या तू सच बोल रहा है? तो फिर देर किस बात की, चल इधर से निकलते हैं। चल चल, आजा मेरे पीछे पीछे, हम लोग इधर से निकलेंगे। जब अपन ग्लाइड करते थे, इधर से निकलने का रास्ता दिखा था। देख रहे, इधर से अपन निकल सकते, पर गोलियां पड़ी जा रहा है। अबे तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सामने ही पुलिस वाले, क्या करें हम लोग? एक सेकंड रुक जाओ, अपन इस टावर के अंदर से निकल सकते शायद। कम ऑन, चलते हैं अपन। ओके, ये वाली गेट तो खुल चुका है। अबे पुलिस वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग हमें गोली मारोगे। हेलो, ऑल राइट, इसको मैं एक झटके में उड़ा दिया। फटाफट से अपन चलते हैं इस टावर के ऊपर। अरे नहीं, सामने वाला गेट ही खुला हुआ है, ये तो अपने लिए काफी अच्छी मौका है। लेट्स गो, अपन निकलते फटाफट से। बैटमैन बोल रहा था इधर कहीं पर वेट करेगा, लेकिन बैटमैन तो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे बैटमैन कहाँ पर चला गया है? खैर कोई बात नहीं, बैटमैन के लिए अपन वेट नहीं कर सकते। चलो अपन इधर से गाड़ी लेते हैं। लेट्स गो, फटाफट बैठते गाड़ी में। 150 भी बैठ गए, निकलते अभी। बैटमैन कहाँ पर चला गया पता नहीं। कम ऑन, निकलो इधर से। पुलिस वाले नहीं तो अपन को छोड़ेगा नहीं। ऑल राइट, अपन किस तरह निकल गए, लेकिन पुलिस वाले अभी तक अपना पीछा कर रहा है। हम लोगों को कहीं पर जाकर छुपना पड़ेगा। चलो देखते हैं अपन कहाँ पर छुप सकते हैं। इधर एक वायर हाउस है, ए राव वाला वायर हाउस। चलते हैं अपन इस वायर हाउस के अंदर, इधर पुलिस वालों को पता ही नहीं लगेगा। लेट्स गो, अपन आ चुके हैं अंदर, अभी इधर ही वेट करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऑल राइट, कुछ देर वेट करने से सच में पुलिस वाले अपने पीछे से हट चुका है। चलो हम लोग इधर से निकलते। अरे भाई, ये क्या, बैटमैन तो इधर ही आ चुका है। ओए 150, रुक जा, तू बैटमैन को देखकर भाग क्यों रहा है? नहीं, ये लौट के आ रहा है फिर से। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस देख रहा था तुम लोग मेरे पीछे आते हो कि नहीं। तेरे मजाक सुनने के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी चुपचाप बता रॉबिन है कहाँ पर, नहीं तो मैं तुझे फिर से जेल के अंदर डाल दूंगा। कसम से बैटमैन, मुझे नहीं पता रॉबिन है कहाँ पर। लास्ट टाइम रॉबिन को लोग डॉक्टर ह्यूगो की लैब पे लेके गया था, ठीक है? इस बार मैं तेरी बात मान रहा हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन गलत निकला तो फिर तू क्या काम से। चल बच्चे, हम लोग इधर से निकलते हैं। ओके, इसका मतलब रॉबिन को इन लोगों ने किडनैप करके रखा है। क्या जो भी हो, अब बैटमैन बोल रहा है तो चलो अपन चलते हैं इनके साथ। और भैया क्या, 150 ने बैटमैन के पैर पे शूट कर दिया है, अभी ये भाग रहा है इसकी ऐसी की तैसी। बैटमैन के बच्चे, तू मुझे सबक सिखाएगा? तू मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। सच में यार, 150 तो काफी खतरनाक निकला, ये तो भाग गया है। अरे यार, ये बैटमैन के साथ क्या हो गया? ऑल राइट, अपने बैटमैन को उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ा लिया है। अभी फटाफट इनको लेके चलते हैं हॉस्पिटल। बैटमैन को अपन लेकर आ चुके हैं हॉस्पिटल से। इनकी पैर को ठीक होने में और भी 3 महीने लगेगा, क्योंकि 150 ने बिल्कुल पैर में शूट किया था। खैर जो भी हो, बैटमैन तो अभी चल नहीं सकते।
सो अपा ने अभी चल दिया रॉबिन को छुड़ाने के लिए। डेड शॉट बोल रहा था डॉक्टर ह्यूगो की लैब में लेकर गया था रॉबिन को, तो चलो अपन चलते डॉक्टर ह्यूगो की लैब पर। बैटमैन तो अभी निकलेंगे नहीं, तो अपन चलते इनकी कार लेकर। अपन किसी तरह आ चुके डॉक्टर ह्यूगो की लैब के अंदर। ये लैब तो काफी ज्यादा अजीब है, कितने सारे सर्वर रखा हुआ है और एक भी इंसान मुझे आसपास दिखाई नहीं दे रहा। इतनी डरावना लैब मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन उसने रॉबिन को रखा कहाँ पर है और डॉक्टर ह्यूगो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चलो अपन थोड़ा सा और आगे चल लेते। ओके, ये रहा डॉक्टर ह्यूगो, ये तो ऊपर है। चलो अपन धीरे धीरे चलते इसके पीछे, देखते हैं करके राय। लेट्स गो, इधर से अपन चल सकते हैं। और भैया क्या ये तो क्लेफिस की बॉडी को इधर लेके आ चुके, इसकी बॉडी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। डॉक्टर ह्यूगो के बच्चे चुपचाप बता रॉबिन है कहाँ पर, नहीं तो मैसेज तक खत्म कर दूंगा। रॉबिन को तुम मेरे लैब से झोंका लेके किया था, लेकिन एक बिद्दू सा बच्चा आकर मुझे धमका रहा है। बच्चे तू तो आज क्या, पहले मेरे सिपाही से बच के दिखा। और भाई इस डॉक्टर ह्यूगो की ऐसे की तैसी, इसकी सिपाही इंसान नहीं है, इसके सिपाही तो ड्रोन्स है। अरे यार ड्रोन तो मेरे पीछे गोली मार ही चाह रहा है। अगर मैंने किसी तरह एक ड्रोन को पकड़ लिया तो उस ड्रोन की मदद से मैं बाकी ड्रोन को मार सकता हूँ। अरे रुक जा भाई, कितना मारेगा इसकी तो। चलो अपन इसके ऊपर चढ़ गए, अभी चलो इसको कंट्रोल करते हैं। कमान इन ड्रोन की ऐसे की तैसी। ऑल राइट, अपन इनको क्या ही उड़ा रहे, कमान। और भाई ये क्या हो गया, अपन जिस ड्रोन को कंट्रोल किए थे वही फूट चुका है और साथ में सारे एनिमी ड्रोन भी फूट गया। क्या एक खतरनाक चीज हो गया, एक साथ सारे ड्रोन को अपने उड़ा दिया है। और डॉक्टर ह्यूगो है लैब के अंदर, लेकिन डॉक्टर ह्यूगो के साथ फाइट करके कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर ह्यूगो बोल रहे रॉबिन को जोकर लेके गया है, तो चलो अपन चलते जोकर के पीछे, लेट्स गो। जोकर को पकड़ने के लिए अपन आ चुके सीवर के अंदर, क्योंकि जोकर सीवर के अंदर कहीं पर छुप के रहता है। सीवर के अंदर से अपन किसी टैलेंट के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जोकर अभी तक नहीं मिला है। अरे यार टैलेंट कब खत्म होगा ये भी पता नहीं। सामने मुझे ट्रेन के साउंड भी सुनाई दे रहे हैं, नहीं ट्रेन तो नहीं है, इधर पानी है। ओके, ये रहा जोकर, देख रहे हो इधर इसने रॉबिन को पकड़ के रखा है, मतलब बांध के रखा है ऐसे लग रहा है। एक बार डॉक्टर ह्यूगो की रिसर्च खत्म हो गया, फिर मैं मेरी मेमोरी के साथ तेरे अंदर वाली चिप को डाल दूंगा, जिसके बाद अगर मैं मर भी गया फिर मैं तेरे बॉडी के अंदर जिंदा हो जाऊंगा। और भाई इस जोकर के प्लान तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब मैं मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, ऐसा प्लान किया इसने। भाई जोकर तू रुक जा, चुपचाप तू रॉबिन को छोड़ दे। अरे बच्चे तू मुझे रोकेगा, चल ठीक है, लेकिन उससे पहले तू एक जोक सुन ले। क्या ये अभी मुझे एक जोक सुनाएगा, चल ठीक है जोक सुना, लेकिन रॉबिन को तुझे छोड़ना पड़ेगा। ए सुन मेरी जोक। और भाई सब इसका जोक था, इसने तो घूम के मुझे लात ही मार दिया है। इस जोकर की ऐसी की तैसी, जोक सुनाने के नाम पर मुझे लात मार के चला गया। अरे सच में चला गया, कहाँ पर चला गया ये पता नहीं, कहाँ पर चला गया है जो भी हो। चलो अपन रॉबिन को लेकर चलते बाहर। ये तो अच्छा जोकर से डर के मेरे भाग गया है, खैर जो भी हो। मिस्टर रॉबिन को अपने बैठा लिया है, लेकिन इनके हालत में मुझे सही नहीं लग रहा। तो चलो अपन इनको लेकर फटाफट से निकलते जैसे। अरे यार कहाँ पर ठुक गया बैटमैन की गाड़ी। ऑल राइट, फाइनली अपन टनल से बाहर आ चुके, मतलब सीवर से। अरे भैया क्या, जोकर तो इधर ही खड़ा हुआ है। और भाई साहब इसने गाड़ी को उड़ा दिया, ये कौन से गन से शूट कर रही है इसकी ऐसी की तैसी। अब तो जोकर को मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कमान ए ले तू जोकर के बच्चे, बहुत हो गया। और भाई साहब जोकर तो मुझे भी मारने लग गया है। अरे तू एक बच्चे को मार रहा है, तुझे शर्म नहीं आता तेरी ऐसी की तैसी। कमान, अरे रुक जा भाई, कितना मारेगा, क्या ही मार जा रहा जोकर, ये तो बहुत ही गुस्सा हो गया शायद। ए ले तू कमान, भाग के कहाँ जा रहा है। फिर से मैंने उसको उड़ाया। ये कहा तू, मैं भी ऐसा मुक्का मार सकता हूँ, ऐसे गैजेट बैटमैन ने मुझे भी दिया है। चलो जोकर की तो काम खत्म हो गया, अब ये अपन चलते रॉबिन के पास। लेकिन रॉबिन की हालत तो और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठा था और उसी टाइम पे गाड़ी फूट चुका था। खैर कोई बात नहीं, अब ये शायद चल नहीं सकता। अरे हाँ सच में उठ के खड़ा भी नहीं हो पा रहा। चलो इसको अपन कंधे में ले लेते हैं। ऑल राइट, अपन ने रॉबिन को कंधे में ले लिया है। अब ऐसे ही हमें चलना पड़ेगा बैट के ऊपर, क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल फूट चुका है उस जोकर की वजह से। रॉबिन को लेकर अपन आ चुके बैट के में, चलते बैटमैन के पास। और भैया क्या हो गया, बैटमैन है कहाँ पर, इधर तो बैटमैन की चेयर पड़ा हुआ है और चेयर तो उसे पलट चुका है, बैटमैन क्या कहाँ पर। चलो अपन मिस्टर रॉबिन को इधर छोड़ देते हैं, लास्ट टाइम अपन बैटमैन को इधर ही छोड़ के गए थे। चलो इधर आसपास काफी सारे सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ है, सो अपन कंप्यूटर में चेक करे तो हुआ क्या था। ओके, सीसीटीवी में देख रहा है बैटमैन तो बैठकर कंप्यूटर में कुछ कर रहे थे। और भाई तो किलर क्रॉक है, किलर क्रॉक को बैटकैप की लोकेशन कैसे पता चला पता नहीं, लेकिन ये तो पीछे आ चुका बैटमैन की और इसने बैटमैन को पकड़ लिया है। ऑल राइट, इसका मतलब किलर क्रॉक बैटमैन को पकड़ के लेके गया है। चलो अभी अपन चलते हैं बैटमैन को छुड़ाने के लिए। रॉबिन तो इधर ही रहेगा, रॉबिन को कुछ नहीं होगा। चलो फटाफट चलते हैं अपन। बैटविंग लेकर अपन पूरी सिटी के अंदर बैटमैन को ढूंढ लिए, लेकिन बैटमैन अपन को कहीं पर भी नहीं मिला। चलो इस तरफ के एरिया को चेक कर लेते हैं। ओके, नीचे कुछ हो रहा है शायद, देखते उधर हो क्या रहा है। अपन नीचे नहीं जा सकते ऐसे ही, सो अपन बैटविंग को इधर ही छोड़ते हैं और अपन उड़ के चलते नीचे, लेट्स गो। और बैटविंग की खासियत देख रहे हो, जहाँ पर अपन छोड़े उधर ही रह गया, फटाफट अपन चलते नीचे। ऑल राइट, अपन उड़कर आ चुके हैं इधर।
अरे भाई ऐसा लग रहा है उधर कोई कुकिंग कर रहा है। रुकी लड़को मेरी बात सुन, हम लोग बैटमैन को पका के खाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, इसको पकाने में काफी टाइम जाएगा। मेरा बातमान हम लोग इसको कच्चा खा जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कच्चा नहीं खाता, मैं इंसान को खाता हूँ लेकिन पका के खाता हूँ। अगर तुझे कच्चा चीज खाना है तो तू समंदर में चला जा, किसी मछली को खा ले। अरे हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा भूख लगा है, तेरे लिए मैं वेट नहीं कर सकता। अरे इस किलर क्रॉक की ऐसी की तैसी, ये तो बैटमैन को पका कर खाने वाला है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो अपन उड़ के चलते, कमान ए ले तू। ऑल राइट, इसको मैंने खींच के एक लात मारा है। और भैया क्या है, तो उठ के आ गया है। अरे नहीं, ये तो उठकर मुझे काफी ज्यादा मार रहा है, सच में इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। कमान बहुत हो गया, मछली पका के खा, इंसान को पका कर खा रहा है, वो भी बैटमैन को। कमान ए ले तू। ऑल राइट मर जा यार, कितना मार खाएगा, तब से मार जा रहा हूँ। कमान, इस बार मैंने इसके पेट में खींच के एक लात मारा है और फाइनली ये हार चुका है। तब से अपन इसको मार रहे थे, खैर कोई बात नहीं, बराबर चलकर अपन बैटमैन को छुड़े थे। आग के ऊपर इसने बैटमैन को रखा है, चलो आखिरकार अपने बैटमैन को छुड़ा लिया है। बैटमैन की हालत खराब हो चुका है। सो मिस्टर बैटमैन, क्या आप अभी मुझे आपके असिस्टेंट लेंगे? शुक्रिया बच्चे मुझे बचाने के लिए, लेकिन किलर को पकड़ने की वजह से मेरे पैर थोड़ा सा ठीक हो चुका है। खैर जो भी है बच्चे, तू ऐसे मेरे साथ काम कर सकता है। ऑल राइट गाइस, अपन फाइनली बैटमैन की साइड किक बन चुके हैं। सो आपका आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अपन और भी ऑसम वाली जीटी फाइव की वीडियोस लाएंगे। एंड गाइस, आप लोग कमेंट में जरूर बताओ नेक्स्ट हम लोग कौन से सुपर हीरो की साइड किक बने। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।